ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक और सेक्टर बॉक्स आया है GTPL का, जो पहले मैं मॉडल दिखा रहा हूँ। इस मॉडल नाम है GK27200। तो इस बॉक्स का प्रॉब्लम क्या है एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैंने RF लगाया, वीडियो सुन किया, अभी ऑडियो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साउंड में प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये देखिए पावर में डाल रहा हूँ। अब आगे में जो है एक रेड लाइट आया है, अभी स्क्रीन पे देखता हूँ क्या होता है। स्क्रीन पे हमारा ये आ गया। तो देखते हैं क्या होता है। इस बॉक्स का प्रॉब्लम है दोस्तों, चलते चलते ये सर्चिंग मोड में जा रहा है। जब भी थोड़ा चल रहा है फिर ऑटो ट्यूनिंग हो रहा है। तो इस बॉक्स का प्रॉब्लम क्या है अभी हमने आपको दिखा रहा हूँ। तो गियर बॉक्स को मैं खोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। तो जैसे दोस्तों देख रहे हैं, हमने ये बॉक्स खोल लिया। खोलने के टाइम हमने ज़रा वीडियो को पॉज किया था क्योंकि मेरे हाथ में ही कैमरा है तो पकड़ना ज़रूरी था। तो इसलिए देखिए, इस बॉक्स में भी वही सेम IC है, सेम पावर सेक्शन है, सेम रैम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जगह अलग अलग से है। तो वहाँ पे कौन कौन चीज़ है पहले ये मैं बता रहा हूँ। ये जो दो डायोड देख रहे हैं, इसमें ये डायोड जो है ये प्रोटेक्शन डायोड है और ये जो डायोड है ये बाईपास डायोड है। यानी कि इसमें उल्टा लाइन अब जब भी देंगे तो इसमें लाइन नहीं आएगा और ना ही ये प्रोटेक्शन डायोड ख़राब होगा। इसलिए पहले बाईपास डायोड लगा हुआ है, बाद में प्रोटेक्टर डायोड लगा हुआ है। इसके नीचे जो 6 पिन देख रहे हैं आप, ये 5 वोल्ट के लिए है सिंगली, और यहाँ पे 5 वोल्ट को बाईपास कर रहा है ये दो ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे पहले 5 वोल्ट जो IC की तरफ से आ रहा है ये मिलेगा, और इधर में ये जो ट्रांजिस्टर के थ्रू बाईपास हो रहा है वहाँ का वोल्टेज मिलेगा। अब देखिए आगे जाते हैं, ये दो डायोड है, ये भी बाईपास डायोड है, ये थोड़ा जेनर डायोड की तरह है जो कि वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप करता है। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट घुस रहा है, यहाँ पे लग रहा है 4.2 वोल्ट, इधर 4.2 वोल्ट इन हो रहा है, इधर निकल रहा है 3.8 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ से जाकर इस रेगुलेटर IC में आते हैं, जो इसका रेगुलेटर वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर IC है। जैसे घुसता है इस पॉइंट में 3.8 वोल्ट आता है, इधर का पॉइंट ग्राउंड होता है और बीच का जो पॉइंट वो आउटपुट होता है। तो ये देखिए 1.5 लिखा हुआ है, तो ये 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर IC हो गया। इसके बाद जो ये आया, ये 3.3 का रेगुलेटर IC है, वही भी सेम तरह से यहाँ से 5 वोल्ट इन होता है, या से बीच वाला से आउट होता है, या लास्ट वाला ग्राउंड होता है। और आगे आइए, यह जो 5 पिन एक लगा हुआ है, यह 1.1 वोल्ट का रेगुलेटर IC। इस IC ख़राब हो जाने से आपको सिर्फ रेड लाइट इशू आएगा, कोई वीडियो नहीं आएगा, या फिर वीडियो आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ऐसा होता रहेगा। ये जो देख रहे हैं ये फ्लैश IC है, और इधर जो है फ्लैश लगा है, ये भी 3.3 वोल्ट का है जो ट्यूनर को सप्लाई देता है। ठीक है ना, ये में पास में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो इसका जो 3.3 वोल्ट आउटपुट है वो आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो आपको नो सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर से आता है ये HDMI पोर्ट, ये USB पोर्ट, एंड इधर वीडियो आउटपुट RCP टाइप में है।
ये जो है वो प्रोटेक्टर डायट लगा हाँ रहता है। ये जो है पहले जहाँ हमने देखा है OVD 56190 मॉडल में ODIC, वही ODIC इधर भी लगा हुआ है। हमारा GTPL का जितना भी सारे सेटअप बॉक्स है वहाँ पे सब रेगुलेटर IC पावर IC एक जैसे ही लगा रहता है। कुछ मॉडल में अलग सा पावर IC लगा रहता है और ODIC वो हमारा जितना भी GTPL बॉक्स है उसमें ODIC सभी एक जैसे ही है। ये जो रैम लगा हुआ है ये DDR3 का रैम लगा हुआ है इसमें, और ये क्या था CPU, ठीक है ना। ये बॉक्स मैनेजमेंट होता है, देखिए आपको दो क्रिस्टल लगा हुआ है, एक 2700 MHz का और एक 1600 MHz का, 16000 MHz का और एक 27000 MHz का। 16000 MHz का क्या काम है वो CPU जनरेट करने के लिए, और ये जो क्रिस्टल है ये ट्यूनर सेक्शन का क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल ख़राब होने से आपको नो सिग्नल देखने को मिलेगा। इधर देखिए एक और पोर्ट दिया गया है जो IR नाम की पहचान, जिससे आप कभी भी आपको सेंसर बाहर ले जाना है या सेट टॉप बॉक्स का फोन नहीं दिखाना है तो सिर्फ सेंसर टीवी के सामने लगा रहेगा, तो इस पोर्ट से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। और एक चीज़ और है इस बॉक्स में, देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है जो HDMI प्रोटेक्शन डायोड है। इस डायोड की एक तरफ 450 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बोला था कि अगर 1.1 खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये देखिए सिर्फ रेड लाइट जला हुआ है, इधर ये IC खराब हो गया है, ठीक है ना। तो अभी हम इस IC को रिप्लेस करेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं हमने इस IC को चेंज कर दिया है, अभी हम पावर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। टीवी की स्क्रीन की तरफ थोड़ा टाइम लगेगा इस बॉक्स को चलने में, देखिए ये बॉक्स चालू हो गया। अभी जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था चलते चलते सर्चिंग दिखा रहा था वो इस IC की वजह से हो रहा था। इस IC का अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा पिक्चर आ गया। तो हमारा इस टाइप का जितना भी सारे सेट टॉप बॉक्स है ज़्यादातर की 1.5 वोल्ट 5 पिन IC का ही प्रॉब्लम आते हैं, और कुछ कुछ में वो 5 वोल्ट IC खराब हो जाता है, 1.5 वोल्ट IC खराब हो जाता है, ज़्यादातर इस बॉक्स में 1.1 ही खराब होता है। देखिए हम इसका चैनल चेंज कर रहे हैं, ये देखिए सिग्नल लेवल भी फुल आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये बॉक्स बन के रेडी हो गया। अभी कुछ भी पूछना है आपको, कुछ भी जानना है तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद।